गाइस तो फाइनली आईक्यू की तरफ से आईक्यू G9X 5G स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में फाइनली लॉन्च कर दिया गया है, जो कि 12,000 रुपए में आप बेस वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई सा भी वेरिएंट आप परचेस करेंगे वहां पे आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। लेकिन ये अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, इसका सेल स्टार्ट होता है 21 मई, यानी 21 मई से आप इस फोन को बाय कर सकते हैं। तो सेल स्टार्ट होने के बाद मैं फोन को बाय करके फिर उसका मैं रिव्यू दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकेशन के से इस फोन में क्या कुछ मिलने वाले हैं, और उससे ही बड़ी बात इस फोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, इसका प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताने वाला हूं। क्या कुछ इसमें बढ़िया है, क्या कुछ खराब है, क्योंकि एक फोन आता है तो उसमें ऐसे नहीं है कि सारे कुछ सब कुछ परफेक्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां होती ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन को समराइज करके फटाफट जानते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। इसके बाद फिर जानेंगे इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ बढ़िया है। बैटरी इसका बहुत बढ़िया है। अगर आप फोन बाय करने वाले हैं, आपको ऐसा फोन चाहिए चार्ज बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि इस फोन में आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, तो चार्जिंग में तो टेंशन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि चार्ज भी फास्ट हो जाए और उसके साथ साथ यहाँ पे अपना फोन बैकअप भी अच्छा खासा देते, इस फोन को बाय कर सकते हैं। इसके साथ अगर कैमरा क्वालिटी अगर चाहिए ना, लेकिन इस फोन को आप बाय करते हैं और चाहते हैं कि कैमरा भी अच्छा मिल जाए, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बाकी इस फोन का डिजाइन जैसे आईक्यू G9 आया था ना, सेम उसी टाइप का कलर वगैरह है, थोड़ा बहुत चेंज किए गए हैं। थिकनेस की बात कर ले तो 7.99 mm का थिकनेस मिल जाता है, जो कि फोन काफी पतला है, लेकिन बैटरी इसमें काफी ज्यादा है, 6000 mAh की बैटरी है भाई। तो फोन पतला होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया है, इसमें बैटरी बैकअप मिलने वाला है। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस फोन में IP64 का डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन मिल जाता है। धूल गर्दा से भी डर नहीं है, पानी में गिरने से भी थोड़े बहुत डर नहीं है, तो यहाँ पे इशू नहीं होने वाला, ज्यादा प्रॉब्लम आपको फोन में फेस करने को नहीं मिलेगा। अगर फोन पानी में भी गिर जाता है ना, तो उसे आप कुछ हद तक बचा सकते हैं। भाई डिजाइन तो बहुत बढ़िया है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फोन है ना, जो वीवो में वीवो T3X जो आया था ना, सेम वही वाला फोन यहाँ है। तो पहले वीवो T3X लॉन्च हो चुका है, इसके बाद अभी ये लॉन्च हो रहा है। मैं आपको बता दूं, वीवो का ही प्रोडक्ट ये भी आईक्यू है, मतलब दोनों सेम है। जो आईक्यू में जी सीरीज में फोन आता है ना, वो वीवो में टी सीरीज में आता है। यानी जैसे आप पता होगा आपको पहले, जो कि आईक्यू G9 जो आया था ना, वो वीवो में आया वीवो T3 में, उसी तरह से वीवो T3X जो लॉन्च हुआ वही वाला अभी आया आईक्यू में, आईक्यू G9X 5G स्मार्टफोन। तो भाई ऐसे ही ये लोग अपने फोन को बार बार सेल करते रहते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफाई करके और ब्रांड चेंज करके, बाकी कुछ वैसा चेंजेस होता नहीं है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इस फोन में जो कि 6.72 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ये तो बहुत बढ़िया है। फुल HD+ का सपोर्ट मिलता है, 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, लेकिन पीक ब्राइटनेस थोड़ा कम है, इशू हो सकता है। बाकी प्रोसेसर की बात कर ले तो प्रोसेसर भी यहाँ पे 6 Gen 1 मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। तो प्रोसेसर ठीक ठाक है, इसमें कुछ हद तक आप गेम प्ले वगैरह भी कर सकते हैं। जो 4 Gen 2 3 आया था ना, उससे बढ़िया ये प्रोसेसर है, क्योंकि 5 लाख का अंतत्व स्कोर किया, 5.5 लाख का। इसके साथ मैं आपको बता दूं ना, ये 4nm पे बेस्ट है, तो प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, आप इसमें कुछ हद तक गेम प्ले वगैरह भी कर सकते हैं, ज्यादा इशू नहीं होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। इसके साथ बैटरी में आपको बता ही दिया, 6000 mAh की बैटरी है, 44W का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग में तो दिक्कत नहीं है, बैटरी बैकअप में भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ यहाँ पे UFS 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है और LPDDR4X का रैम टाइप सपोर्ट मिल जाता है। तो रैम बहुत बढ़िया, वो लैगिंग वगैरह ऐसा इशू नहीं होने वाला है। कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं अपने फोन में, यूज करते हैं ना, तो वहां पे कोई कटने उठने का ऐसा कम चांस है कैसा होगा। अब अगर बात कर ले कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा जो कि 8 MP का है, और सेकेंड कैमरा जो मेन कैमरा रियर कैमरा 50 MP का डुअल सेटअप कैमरा मिल जाता है, जो कि 50 MP का मेन कैमरा है और 2 MP का AI सेंसर एक लगा हुआ है। तो कैमरा तो कोई खास नहीं है, तो ये इसके स्पेसिफिकेशन हुए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, OS की बात कर ले तो एंड्रॉइड 14 इसमें मिलने वाला है, और 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो ये रहे स्पेक्स। अब अगर बात कर ले इसके प्रोस एंड कॉन्स की, तो भाई यहाँ पे मैं आपको कॉन्स तो बातों में समझा दिया, पता नहीं आपको समझ में आया फिर नहीं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे प्रोस की बात कर ले, तो प्रोस में यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पहला नंबर बैटरी। भाई बैटरी तो बहुत दमदार है। इसके साथ प्रोसेसर की बात कर ले तो प्रोसेसर भी बहुत बढ़िया है, और चार्जिंग सपोर्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है। और उससे भी बड़ी बात, जो कि डुअल जो स्पीकर है ना, इसमें स्टोरेज स्पीकर इसमें लगा हुआ है, जब आप अपने फोन में वीडियो देखेंगे या फिर म्यूजिक सुनेंगे ना, वॉल्यूम को फुल करेंगे 100% हो जाएगा, एक पॉपअप आएगा। इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे ना, फिर से बढ़ाएंगे 200 हो जाएगा, 200x हो जाएगा, और ये डिफरेंट थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट रहेगा, वो मतलब इंक्रीज होते जाएगा। मतलब फर्स्ट लेवल इसका 100 हो गया, फिर सेकेंड लेवल इसका 200 और थर्ड लेवल जो है ना 300। यानी आपको इसमें बैटरी के साथ साथ स्पीकर भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और कॉन्स की बात कर ले तो कॉन्स में आपको बताया, भाई कैमरा बहुत बढ़िया नहीं है। इसके साथ इसमें जो बड़ी बात, मतलब बुरा मुझे लगा यार, जो कि 8GB वाले वेरिएंट है भाई, जो
इंटरनल स्टोरेज तो सारे में 128 GB मिलेंगे, लेकिन रैम 4 GB 6 GB 8 GB आप कर सकते हैं। लेकिन 8 GB वाले रैम में यहाँ पे 4K सपोर्ट मिल जाता है 30 FPS पे, बाकी में 4K सपोर्ट नहीं मिलता है, 1080p पे वीडियो शूट कर पाएंगे। तो यार यहाँ पे सारे वेरियंट में ये 4K सपोर्ट देना चाहिए था। इसके साथ सेल्फी कैमरा में भी थोड़ा सा इशू हुआ 8 मेगापिक्सल का, तो चलेगा कोई इशू नहीं है, 16 मेगापिक्सल का होना चाहिए सेल्फी कैमरा भी, 8 मेगापिक्सल का है। डिस्प्ले पे भी प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे जो IPS LCD डिस्प्ले दिया है, अगर AMOLED डिस्प्ले दे देता ना भाई बहुत मजा आ जाता, जो 120Hz दिया है 90Hz भी रहता ना तो नेक्स्ट लेवल का फीलिंग होता। तो यही कुछ है स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड जो जितने भी अभी तक एस्पेक्ट्स आए हैं उसके हिसाब से मैं ये जज किया। इस फोन का वेट करते हैं 21 मई तक, इसके बाद फिर इस फोन को बाय करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे। अगर आपका ऐसा डिमांड हुआ तो, आप चाहते हैं रिव्यू देखना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं बाय करके उसका फुल मतलब पूरी तरह से जैसे भी हो पूरी तरह से रिव्यू कर दूंगा, हर एक चीज को आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या कुछ बढ़िया है इसमें, बैटरी बैकअप कैसा दे रहा है, कैमरा कैसा है, क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या हिडन फीचर है, सब कुछ भाई। तो अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए फोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, बाय करके रिव्यू करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि फोन का ऑफलाइन इवेंट भी नहीं हुआ ना, इस वजह से डिवाइस चलाने को मिला नहीं है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।